Good morning students, welcome back to our next class. Today we are studying exercise 2.3. ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासेस के लिए मैंने एक ही वीडियो बनाया है क्योंकि सेम ही क्वेश्चंस हैं बिल्कुल एज इट इज. बस ये है कि फोर को हम चार बोल देंगे, थ्री को हम थ्री बोल देंगे, ये है बस डिफरेंस और कुछ नहीं है. तो इसलिए मैंने दोनों के लिए एक ही वीडियो बनाई है. तो क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स. मतलब निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए. एक्सरसाइज 2.2 में मैंने काफी सारे क्वेश्चन समझाए थे जिसमें मैं लास्ट में आपको ये बोलती थी कि आप लास्ट में ये चेक कर लिया करो एक्स की वैल्यू या जो भी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं कि उसको रख के वापस रख के सॉल्व करके देखा करो कि क्या वो आंसर हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर वो आंसर सही आता था तो मैं बोल देती थी कि आपका आंसर सही आ रहा है. तो वही चीज है सेम टू सेम एक्सरसाइज 2.3 में कि इक्वेशंस दे दी. पहले आपको एक्स वाई जेड जो भी अल्फाबेट दिया होगा उसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर उसी की वैल्यू वापस पुट करके देखना है कि क्या आपका आंसर सही आया है या नहीं आया. ठीक है, वही सेम चीज है, बस आपको पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर उसको क्रॉस चेक करना है कि आंसर सही है या नहीं. सो 3x फर्स्ट पार्ट है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18. अब इसमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है. एक्स का मान निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है कि एक्स के टर्म्स को एक साइड लेके जाओ बाकी टर्म्स को दूसरी साइड छोड़ दो. तो ये 2x इधर तो प्लस का है, अगर ये दूसरी साइड जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा. तो ये 3x एज इट इज, 18 भी एज इट इज, बस 2x इक्वल के दूसरी साइड जा रहा है. ये इधर प्लस का था, इधर आया माइनस का. तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 18. तीन में से दो क्या बचा, एक सिंगल एक्स. 3x माइनस 2x इक्वल टू एक्स और 18 एज इट इज. तो x का मान हमारा आ क्या गया, 18. ये तो हो गया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. मतलब इक्वेशन को तो हमने सॉल्व कर लिया, समीकरण सॉल्व हो गया हमारा, लेकिन अब हमें चेक करना है कि क्या हमारा जो 18 आंसर आ रहा है क्या वो सही है या गलत है. तो उसके लिए हमें क्या करना है, वापस से इसी समीकरण में अपना मान रखना है कि जो 18 आया हमारा उसको पुट करो और फिर देखो कि क्या आंसर आ रहा है. पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन आर एच एस एंड एल एच एस, आप लिख सकते हो एक्स का मान रखने पर. देखो 3 है, यहां भी 3 है, यहां एक्स है और उसकी जगह पे क्या रखना है 18. 3 इंटू 18 इक्वल की जगह इक्वल, 2 की जगह 2, एक्स की जगह 18 प्लस प्लस 18. ठीक है, ये 18 पहले से दे रखा है, ये मत सोचना कि मैंने एक्स की वैल्यू पुट करी यहां पर. जहां भी x आ रहे थे दो जगह पे हमने वहां दोनों जगह 18 को पुट कर दिया. ठीक है, अब कर लेते हैं इसको सॉल्व, सिर्फ इसको. 3 इंटू 18 54, 2 इंटू 18 36 प्लस 18 प्लस 18 एज इट इज. तो 54 और इधर भी 54. अगर LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, सही है. सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इतना सा ही आंसर है. आई रिपीट, पहले x का मान निकालना है फिर उसको पुट करके देखना है कि क्या LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे. x का मान निकालना तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं, बस यही था कि आपको मैं बोलती थी कि आप क्रॉस चेक कर लिया करो. इसमें आपको क्रॉस चेक करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है चेक योर रिजल्ट्स. तो ये हमारा क्या हो गया आंसर. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट कर लेते हैं. 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z. हमें जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हमें जो भी अल्फाबेट दे रखा होता है ए बी सी डी एक्स वाई जेड उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखिए इधर ये जेड की टर्म है, दूसरी साइड ये वाली जेड की टर्म है, इधर है 3 इधर है 6. तो हम अल्फाबेट वाली जो टर्म्स है उनको तो एक साइड कर लेंगे और विदाउट अल्फाबेट वाली जो टर्म्स है जो न्यूमेरल्स है उनको दूसरी साइड कर लेंगे. तो 4x एज इट इज, ये 2x इक्वल के दूसरी साइड है. अगर ये इधर आएगा तो माइनस में क्योंकि इधर किस में है प्लस में. तो 4x माइनस 2 सॉरी 4z माइनस 2z, ये तो हो गए अल्फाबेट वाले टर्म्स. अब दूसरी साइड देखो पहले से 6 है, ये इधर 3 है, अगर दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा क्योंकि इधर किस में है प्लस में. 6 माइनस 3, 4z माइनस 2z क्या होगा 2z और 6 माइनस 3 इक्वल टू 3. z 2 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में, तो हमारी वैल्यू आ गई 3/2.
ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए कराया था क्योंकि 18 में तो आप जल्दी से आराम से पुट कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसी कोई वैल्यू आती है रैशनल नंबर्स में तो आप उसे कैसे पुट करोगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया। जेड की वैल्यू आ गई 3/2। अब हमें चेक करना है कि क्या हमारा रिजल्ट सही है या नहीं है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ जेड इन LHS एंड RHS, 4 की जगह देखो 4 है, जेड की जगह क्या लिखना है 3/2, तो जेड की जगह मैंने 3/2 पुट कर दिया। +3 इक्वल 6, 2 की जगह 2 और जेड की जगह 3/2, ये हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखो जेड और 4 और 2 कैंसिल हो रहा है, हम मल्टीप्लाई में वैल्यूज को कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 2 2 2 4। अब नीचे डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 1 है और ऊपर है 2 × 3। वॉट इज 2 × 3 इक्वल टू 6। +3 6 का 6 और यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, दोनों मल्टीप्लाई में है और एक डिनोमिनेटर में, एक ऊपर एक नीचे है, दोनों को हम काट सकते हैं। +3 6 + 3 = 9 6 + 3 = 9। तो LHS और RHS हमारा क्या आ रहा है, इक्वल। इट मीन्स हमारा आंसर सही है। इसमें हमारे पास 18 आंसर आया था, इसमें 3/2 आया था और वो हमने पुट करके रखा तो भी आया हमारे पास 9 = 9। तो ये क्या हो गया हमारे दो आंसर। अब एक और क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंदी है क्योंकि जेड की इसमें एक्स की वैल्यू बहुत इजीली आ गई थी, इधर इधर भी इसमें भी आ गई थी, उसमें भी आपको एलसीएम लेना है। ऐसे क्वेश्चन 2.1 में भी आए थे, 2.2 में भी आए थे, ठीक है। अब देखिए 2x/3 +1 7x/15 +3, सेम वही है, x की टर्म्स को एक साइड रखो और न्यूमेरल्स को दूसरी साइड रखो। तो 2x/3 -7x, क्योंकि वो उधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में, +1 उधर जाएगा तो माइनस में। तो 2x/3 -7x/15, तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 15? इट्स 15। 3 और 15 का लेस से क्या आएगा, 15 ही आएगा, तो इन दोनों का मैंने लेस से लिया है। फिर देखिए यहां 2 है, यहां 3 है, 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आएगा, यहां 3 है यहां 15 है, तो 3 की टेबल में 15 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, पहले टेबल फाइंड आउट करते हैं फिर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 2x को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 10x माइनस एज इट इज, यहां 15 था यहां भी 15, 7x था 7x और बराबर में क्या रह गया 2। 10 में से 7 3x बचा और 15 इधर भाग होगा उधर जाएगा तो गुणा में, तो 30 और ये इधर अब गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में, हमारे पास x का मान आ गया 10, ठीक है। अब वापस जाके हमें पुट करना है कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है। मैं इसको इरेज कर रही हूं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक्स का मान 10 आ गया हमारे पास, अब हमें चेक करना है कि क्या हमारा आंसर सही है, क्योंकि मैंने अलग तरीके से भी कर रखा है और आपको समझा भी नहीं। 2 को 10 से गुणा किया (3) +1, 7 को 10 से गुणा किया (15) +3, ठीक है। अब देखो 2 को 10 से गुणा किया तो 20/3 +1, यहां ये दोनों कैंसिल हो रहे थे 5 के बाहर से, ऊपर नीचे संख्याएं कैंसिल हो सकती हैं, तो 7 × 2 = 14 और नीचे बच गया 3 + 3। अब मैंने दोनों साइड एलसीएम लिया है, यहां 1/1 है यहां 3/1 है, इधर भी 3 और 1 का एलसीएम 3, इधर भी 3 और 1 का एलसीएम 3, 20 + 3 इधर आ जाएगा 14 + 9 क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 3 = 23 और ये 14 और 9 = 23/3। दोनों साइड सेम आंसर है, आप चाहो तो इसको कैंसिल नहीं करके 15 एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों साइड हमारा सेम आ रहा है 23/9 23/9, तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, सही है। अब एक्सरसाइज 2.3 में काफी सारे क्वेश्चन है, शायद 10 या 11 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कर लिए। आज एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, बस पहले आपको अल्फाबेट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू क्रॉस चेक योर आंसर, ठीक है। थैंक यू।